आज की कहानी है एक ऐसी महिला की जिसने ये साबित कर दिखाया कि अगर आपके इरादे मजबूत हों तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड फेम बॉक्सर मेरी कॉम की। मेरी कॉम का जन्म मणिपुर के एक अंगथेई गांव में हुआ। आज पूरी दुनिया में फेमस मेरी कॉम को लोग तब सिर्फ मांगते चंगे जियांग के नाम से जानते थे। उनके पिता किसान थे जो किसी तरह से अपने परिवार का गुजर बसर करते थे। मेरी कॉम अपने माता पिता की सबसे बड़ी संतान है। अपने परिवार का पालन पोषण करने में वो अपने माता पिता के साथ खेतों में काम करवाती थी और भाई बहनों की देखभाल करती थी, ख्याल रखती थी। मेरी कॉम ने घर की फाइनेंशियल सिचुएशन खराब होने का प्रभाव अपनी शिक्षा पर नहीं पड़ने दिया। उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा लोकटक क्रिश्चियन मॉडल हाई स्कूल से की। इसके बाद उन्होंने 8वीं तक की पढ़ाई मोइरंग के सेंट जेवियर्स कैथोलिक स्कूल से की। फिर उन्होंने इम्फाल के NIOS से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। इसके बाद उन्होंने राजधानी इम्फाल के चुरा चांदपुर कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। मेरी कॉम की बचपन से ही खेल कूद में काफी रुचि थी। वो शुरू से ही एथलीट बनना चाहती थी। वो अपने स्कूल के समय से ही फुटबॉल जैसे गेम्स में हिस्सा लेती रही हैं। मेरी कॉम के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने कभी बॉक्सिंग प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लिया था। साल 1998 में जब मणिपुर के बॉक्सर डिंको सिंह ने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता, तब मेरी कॉम उनसे काफी प्रभावित हुई और उन्होंने बॉक्सिंग में अपना करियर बनाने की ठान ली। लेकिन एक महिला होने के नाते उनके लिए इसमें करियर बनाना इतना आसान नहीं था। लेकिन मेरी कॉम के शुरू से ही अपने इरादे में दृढ़ रहने और ईमानदारी से लक्ष्य तक पहुंचने की चाह ने आज उन्हें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाजों की सूची में शामिल कर दिया है। मेरी कॉम के पिता और उनके घर वाले उनके बॉक्सिंग के करियर बनाने के बिल्कुल खिलाफ थे। पहले लोग बॉक्सिंग के खेल को पुरुषों का खेल समझते थे। ऐसे में इस फील्ड में करियर बनाना मेरी कॉम के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था। वहीं दूसरी तरफ परिवार के आर्थिक हालात सही नहीं होने की वजह से मेरी कॉम के लिए बॉक्सिंग के क्षेत्र में प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेना भी काफी मुश्किल था। लेकिन फौलादी इरादों वाली मेरी कॉम ने आसानी से इन सभी मुसीबतों का सामना कर लिया और विश्व की मुक्केबाज के रूप में उभर कर सामने आई। तो ये थी आज की कहानी मैग्निफिसेंट मेरी यानी मेरी कॉम की। जिस तरह मेरी कॉम ने अपने जीवन में तमाम संघर्षों का सामना करते हुए बॉक्सिंग में अपना करियर बनाने की चाह को सच कर दिखाया है और लोगों की इस धारणा को गलत साबित कर दिखाया कि मुक्केबाजी सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं है, बल्कि महिलाएं भी इसमें किसी तरह से पीछे नहीं हैं, वो काबिले तारीफ है।